सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। सीरिया में अमेरिका और ईरान के बीच जंग। अमेरिका का बदला भड़काएगा विश्व युद्ध की आग। जिसका डर था वो हो गया। ईरान ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया। ईरान ने 24 घंटे के अंदर अपना बदला ले लिया। अमेरिका ने एक रोज पहले सीरिया में मौजूद ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में ईरान ने बड़ा पलटवार किया है। ईरान ने पूर्वी सीरिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर एक एक कर 4 ड्रोन हमले किए, जिसके बाद अमेरिका को भी एहसास हो गया कि अगर वो ईरान के ठिकानों पर हमला करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने एक रोज पहले ही सीरिया में मौजूद ईरान के एक हथियार डिपो को निशाना बनाया था। बताया गया कि अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के हथियारों का जखीरा पूरी तरह तबाह हो गया। खबर यह भी है कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के कई लड़ाके भी मारे गए और अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने भी बदला ले लिया। पश्चिम एशिया में पहले ही हालात विस्फोटक बने हुए हैं। सिर्फ एक चिंगारी पूरे इलाके में जंग की आग भड़का सकती है और अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने जिस तरह से हमला किया उससे तो एक बात पक्की हो गई है कि ईरान खुलकर जंग के मैदान में उतरने को तैयार है। और अगर ऐसा हुआ तो 35 साल बाद अमेरिका और ईरान दूसरी बार जंग लड़ेंगे। इससे पहले दोनों 80 के दशक में लड़े थे, मगर तब जंग ईरान और अमेरिका के बीच नहीं थी। युद्ध ईरान और इराक का था, जिसमें अमेरिका ने इराक का साथ देकर ईरान को हरा दिया था। मगर इस बार अमेरिका और ईरान सीधे सीधे एक दूसरे से दो दो हाथ कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान के हथियार डिपो पर बमों की ऐसी बारिश की कि ईरान के हथियार बर्बाद हो गए। अमेरिका ने दावा किया कि पूर्वी सीरिया के दैर एज जोर में मौजूद वो हथियार गोदाम ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का था और वहां पर रखे गए हथियारों से ही इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर बीते 3 हफ्तों से हमले किए जा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका ने ईरान के हथियारों को ही स्वागत किया ताकि ना रहे ईरान के हथियार और ना ही अमेरिका के सैनिकों पर हमले किए जा सके। सीरिया में ईरान के अड्डे पर हमला करके अमेरिका ने दूर कह दिया कि अगर उसके सैनिकों पर आंच आए तो वो तमाशा नहीं देखेगा। लेकिन इसके साथ अमेरिका ने ये भी साफ किया कि वो पश्चिम एशिया में लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए अमेरिका की सेना ने सीरिया में ईरान के हथियारों के गोदाम पर रात को उस वक्त हमला किया जब वहां ईरान के इक्का दुक्का लड़ाके ही रहे। लेकिन ईरान को रोकने के लिए अमेरिका का ये पहला एक्शन नहीं है। अमेरिका ने 26 अक्टूबर को भी सीरिया में ईरान के 2 ठिकानों पर हमले किए। यही नहीं, 10 नवंबर को भी अमेरिका ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला किया। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास की जंग छिड़ने के 10 दिन बाद ही इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू हो गए थे। इराक और सीरिया में अमेरिका के सैनिक आईसिस की आतंकियों से लड़ रहे हैं, जिन पर 17 अक्टूबर से अब तक करीब 41 बार हमले हो चुके हैं। बताया गया कि उन हमलों में अमेरिका के 46 सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें कुछ को तो सिर पर गंभीर चोट आई है। और इराक और सीरिया में ईरान के समर्थन वाले लड़ाके एक्टिव हैं, इसलिए अमेरिका ईरान के इशारे पर उसके लड़ाकों के अपने अड्डों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है और जवाब में ईरान के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में अपनी सेना की किलेबंदी कर चुका है और पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने से लेकर
अमेरिका वहां अपने जंगी जहाजों से लेकर F-15 और F-16 जैसे एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान उतार चुका है और थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर चुका है। अमेरिका ने इलाके में आसमान में गश्त भी बढ़ा दी है, मगर लग रहा है कि अमेरिका के हमले और पश्चिम एशिया में उसकी किलेबंदी ईरान और उसके साथियों के जहन में डर नहीं भर पा रहे, क्योंकि अमेरिका के हमलों के बाद सीरिया और इराक में उसके सैनिकों पर हमले और बढ़ गए और वहां लगभग रोजाना अमेरिका के अड्डों पर कभी रॉकेट तो कभी ड्रोन बरस रहे हैं। वहीं यमन से हूथी विद्रोहियों ने भी अमेरिका को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही यमन में लाल सागर के ऊपर अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिरा और अमेरिका को अब तक हवा नहीं लगी कि आखिर किस हथियार से उसके ड्रोन पर हमला किया गया।